हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और जैसे कि मैं रेयरली आप लोगों को ब्लॉग में दिखाती हूँ कि मॉर्निंग में मेरा लड़का स्कूल चला जाता है तो उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। तो अभी देखिए बारिश जैसा मौसम लग रहा था, पूरा बादल लग गया था और एक दो दिन से अभी यहाँ पर बादल लग रहा है और बारिश भी थोड़ा बहुत हुआ है और अभी भी बादल लगा हुआ है। तो अभी मेरा घर का काम कुछ भी नहीं हुआ है, रूम का मैं अभी कोई भी काम नहीं करी हूँ। पहले मैं सोची कि बाहर जो बोतल वगैरह धोना है, कपड़ा धोना है, वो धो लेती हूँ क्योंकि बर्तन मैं पहले ही धो के रख दी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बोतल यहाँ पे धोने के लिए रखी हूँ और यहाँ पे मैं कपड़ा सरफ में यहाँ पे भिगो रही हूँ। देखिए, जब तक मेरा ये कपड़ा सरफ में भींगेगा, फूलेगा अच्छा से, तब तक मैं यहाँ पे बोतल धो लूँगी क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में पानी का बहुत ही दिक्कत हो गया है। पानी मतलब कि आता है मीठा पानी, लेकिन वो पानी नाला का पानी आता है, पूरा गंदा पानी आता है और वो पानी अगर पीजिएगा तो बीमार तो होना ही है। तो वो पानी हम लोग नहीं पीते हैं, पूरा गंदा पानी आता है तो पीना भी मुश्किल होता है। इतना बदबू वो पानी देता है कि आप देख के वो पानी पी नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोग टंकर मंगवाते हैं, टैंकी का पानी आता है तो वही पानी हम लोग स्टोर करके रखते हैं 15 दिन या 10-15 दिन वही पानी यूज करते हैं, उसके बाद फिर टंकर मंगवाते हैं। तो अभी फ़िलहाल टंकर का ही पानी पी रहे हैं इधर 1-2 महीने से, क्योंकि पहले तो पानी सही आता था, अभी इधर पता नहीं क्या हो गया है, पानी सही नहीं आता है। और जो हम यहाँ पे बर्तन वगैरह धोते हैं, काम धाम करते हैं, तो वो पानी सही रहता है, मतलब नमकीन खारा पानी रहता है, तो वो हम पी नहीं सकते। बाकी हम लोग सारा काम कर सकते हैं, कपड़ा वगैरह धो सकते हैं, नहलाना धुलाना, बर्तन वगैरह सारा काम हम खारा पानी से करते हैं, लेकिन जो पीते हैं, खाना पीना बनाते हैं, उसके लिए मीठा पानी का यूज करते हैं, लेकिन अभी गंदा पानी आ रहा है इसीलिए हम लोग टंकर मंगवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जल्दी जल्दी मैं बोतल धो रही हूँ क्योंकि अभी 9:30 के आसपास हो रहा था और हम लोग टंकर वाला को फ़ोन कर दिए थे। तो पहले हम लोग बोतल जो भी डब्बा वगैरह धोना है तो पहले से धो के रखेंगे, तभी जब टैंकर आएगा तो जल्दी जल्दी भर लेंगे। तो वही यहाँ पे देखिए, मैं डब्बा वगैरह तो धो ली थी और यहाँ पे बोतल धोना था तो बोतल धो के यहाँ पे रख रही हूँ। और टैंकर का पाइप इतना मोटा होता है, वहाँ पे पानी अगर आप बोतल में भरेंगे तो सारा पानी वेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि सारा बोतल अभी धो लूँगी और उसके बाद मेरा पहले से भी अभी पानी थोड़ा बहुत है, आधा मतलब आधा डब्बा के आसपास, यही 20 लीटर के आसपास होगा मेरे पास पानी थोड़ा बचा हुआ। तो वो पानी फेंकने से अच्छा यहाँ पे मैं बोतल में रख के फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि हम लोग बोतल में पानी भरते हैं उसके बाद फ्रिज में डालते हैं, फिर वो पानी ठंडा होता है उसके बाद पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो बोतल यहाँ पे धो के रखी हूँ वो यहाँ पे मेरे पास पहले से ही पानी है, तो वो उसमें पानी पहले से बोतल में भर के रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं जो बचा हुआ जो डब्बा है, धोई नहीं हूँ, उसको भी धो के रख दूँगी ताकि पानी आएगा तो ईजिली मैं उसको भर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, घर का काम अभी रूम का काम हुआ नहीं है, पहले मैं बोतल का ही यहाँ पे झंझट हटाऊँगी, कपड़ा वगैरह यहाँ पे धोना है तो मैं कपड़ा धोंगी और बोतल यहाँ पे धो के रख दी हूँ। अब कपड़ा धोंगी, उसके बाद कपड़ा धो लूँगी तो टेंशन नहीं रहेगा कि बाहर बरसात हो या कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बाहर बरसात हो या कुछ भी हो, बाहर का अगर काम हो जाएगा तो रूम का तो हम रूम के अंदर ही करें, चाहे बाहर बारिश हो या कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा एक ही रूम है, एक ही रूम में सब कुछ मैनेज करना है और छत भी देख रहे हैं कितना खुला खुला है कि अगर बरसात हो जाए तो आप बाहर कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते, भींग भींग के करना पड़ेगा, आपकी मर्जी करे या ना करे, लेकिन भींग के अगर काम करेंगे तो तबीयत तो ख़राब होना ही है। तो मैं बारिश में नहीं भींगती हूँ क्योंकि थोड़ा सा भी बारिश का पानी पड़ जाता है तो मेरा बुखार वगैरह लग ही जाता है, बीमार हो जाते हैं, इसलिए बारिश होने से पहले ही यहाँ पर बाहर का काम कर ली हूँ। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं इस चैनल पर अभी ब्लॉगिंग करने लगी हूँ, ब्लॉग वीडियो डाल रही हूँ और आप लोग अभी थोड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 साल से, 3 साल लगभग हो जाएगा जुलाई में, 3 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ, कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ है। पहले मैं इस चैनल पर टेक कैटेगरी में काम करती थी लेकिन उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। लोग क्या करते हैं कि टेक कैटेगरी में क्या होता है कि लोग व्यूज़ देखते हैं, सब्सक्राइबर देखते हैं, अगर अच्छा सब्सक्राइबर है तो ही लोग वीडियो देखते हैं, चाहे हम वीडियो कितना भी अच्छा बना ले, सब्सक्राइबर ज़्यादा रहेगा तभी वीडियो पर क्लिक होगा, या फिर व्यूज़ देखते हैं लोग, ये नहीं देखते कि वीडियो का क्वालिटी क्या है, क्या हम बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, हमारा वीडियो पूरा सही है, तो ये कोई नहीं देखता, बस व्यूज़ सब्सक्राइबर देख के और आपका वीडियो पर लोग क्लिक करते हैं। तो मेरा भी वही हाल हुआ, 2-3 साल से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन कितना भी अच्छा वीडियो बनाने के बावजूद भी मेरा यहाँ पर चैनल अभी तक ग्रो नहीं हुआ है। और मैं आशा करती हूँ आप लोग, अभी मैं जो ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ,
इस पर ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ, तो मेरा ये लॉन्ग वीडियो जो है यहाँ पे अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो शॉर्ट देखते हैं, प्लीज़ इस वीडियो देखा करिए, मुझे सपोर्ट किया करिए, क्योंकि 3 साल हो गया, अगर सक्सेस ना मिले तो यूट्यूब पर काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3 साल काफ़ी हो जाता है। लोगों का 1-2 महीना अगर चैनल ग्रो ना हो तो वो टूट जाते हैं, चैनल अपना बंद कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लगातार 3 साल से काम कर रही हूँ। और आप लोग मेरा टेक कैटेगरी का भी वीडियो अगर देखना चाहेंगे तो पुराना वीडियो आप मेरा चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो डालती थी, टेक्निकल वीडियो, यूट्यूब टिप्स देती थी, आप जाके देख सकते हैं किस टाइप का मेरा वीडियो है। एक भी फेक वीडियो आपको मेरा चैनल पर देखने को में नहीं मिलेगा। फिर भी मुझे कोई भी मतलब उतना सपोर्ट नहीं मिला, जो व्यूज आना चाहिए वो आया नहीं, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है कि यूट्यूब मतलब कि 2 आँख से देखते हैं। कुछ लोग नए यूट्यूबर देखिएगा कि उसका कुछ भी सही नहीं रहता है, जैसे कि चैनल पर वीडियो का क्वालिटी भी सही नहीं रहता है, थंबनेल भी सही नहीं है, टाइटल वगैरह कुछ भी लगा के अगर वीडियो भी अपलोड किया है, बहुत सारे ऐसे चैनल है यूट्यूब पर, तो वो एक वीडियो डालते ही उनका चैनल ही इतना मिलियंस में व्यू चला गया है। और वहीं यहाँ पे मेरा चैनल देखिए, 3 साल से काम कर रही हूँ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग ये सब देख ही सकते हैं आप मेरा चैनल पर किस टाइप का मैं लगाती हूँ, कैसे लगाती हूँ, फिर भी यूट्यूब रिकमेंड ही नहीं करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूट्यूब जब कितना भी अच्छा वीडियो हम बना लें, लेकिन यूट्यूब जब तक लोगों के पास हमारा वीडियो ले के नहीं जाएगा तब तक लोग हमारा वीडियो पर क्लिक नहीं करेंगे, हमारा वीडियो देखेंगे नहीं। तो यही हाल है, यूट्यूब हमारा वीडियो को रिकमेंड ही नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मेरा जो व्यूज आता है वो नोटिफिकेशन से जाता है, जो भी मेरा ऑडियंस है थोड़ा बहुत वो देखते हैं, और इसके अलावा यूट्यूब सर्च से जाता है, मतलब यूट्यूब पर कोई सर्च करता है तो मेरा वहाँ पे वीडियो शो होता है। ये नहीं कि वहाँ पे चेक करते हैं जाके तो वहाँ पे रेकमेंड वाला ऑप्शन ही नहीं दिखता है, यूट्यूब हमारा वीडियो को रेकमेंड ही नहीं करता है। तो ये पता नहीं यूट्यूब क्या है, चैनल मेरा चैनल पर मतलब कि लग ही गए हैं कि चैनल ग्रो होने ही नहीं देना है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले। अगर आप लोगों को पता ही है कि इतना मेहनत करने के बाद भी सपोर्ट ना मिले तो कैसा लगता है, और इतना साल हो गया, 3 साल हो गया, और अभी तक 3 साल में मेरा एक ही पेमेंट अभी आया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है वीडियो पर जब व्यूज़ नहीं आएगा तो हम यहाँ से अर्निंग नहीं कर सकते हैं, तो व्यूज़ के अकॉर्डिंग ही अर्निंग होता है। जब वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएगा तो अर्निंग नहीं बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। इसलिए मेरा अभी तक फर्स्ट पेमेंट ही आया है, सेकंड पेमेंट अभी तक नहीं आया है। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता ही दी हूँ, पुराना और भी अब मेरा वीडियो देखिएगा उसमें भी मैं आप लोगों को बता रखी हूँ, सारा जो भी है सब कुछ बता रखी हूँ, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता ही दी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँ और अच्छे अच्छे शॉर्ट्स लेकर आऊँ। और अभी देख रहे हैं मैं अपना शॉर्ट्स पर भी बहुत मेहनत करती हूँ, शॉर्ट्स पर भी एक शॉर्ट्स बनाने में, वहाँ पे जो शॉर्ट्स बनाती हूँ शॉर्ट्स बनाने में मेरा 2-3 घंटा लग ही जाता है। ऊपर से डेली ब्लॉग डालना, घर को संभालना, बच्चा को संभालना, सब कुछ एक साथ मैनेज करना पड़ता है। हाउसवाइफ को तो और ज़्यादा मुश्किल होता है, घर को संभालना पड़ता है, ऊपर से यूट्यूब पर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। लोगों को लगता है बस एक वीडियो ही तो बनाना है, 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 5 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 5 मिनट का काम है बस डालना है यूट्यूब पर, टाइम पास है। तो ऐसा लोगों को लगता है कि 1 घंटा का काम है, लेकिन जो करता है, जो बनाता है वीडियो, उसी को पता चलता है कि कितना यहाँ पे मेहनत लगती है यूट्यूब पर एक वीडियो डालने में। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग समझदार है ही, तो अगर आप ही यूट्यूबर हैं तो ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि यूट्यूबर ही समझ सकते हैं कि घर का काम करना, बच्चा का संभालना, ऊपर से यूट्यूब को भी मैनेज करना कितना मुश्किल है, और ऊपर से सक्सेस भी ना मिले तो और कैसा लगता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता ही दी हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, और इस वीडियो में ये ब्लॉग अगर आप देख रहे हैं तो इसमें प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में, इस ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।